पाकिस्तान आजकल नाराज है या कहें रूसा हुआ है, हो भी क्यों ना, बात ही ऐसी है। अब बताइए, जो बाइडन को अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाले 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत नहीं की है, जबकि वो भारत समेत कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर चुके हैं। जो बाइडन के फोन आने का इंतजार कर रहे इमरान खान का दर्द अब उनके राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतने महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं की है, जिसे लेकर अमेरिका खुद कहता है कि ये मेक और ब्रेक वाला मामला है। हम अमेरिकी इशारे को समझने में कठिनाई देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें हर बार कहा जाता है कि फोन कॉल आएगा, अब ये कोई तकनीकी समस्या है या कुछ और। सच कहूं तो अब लोगों को विश्वास नहीं है। अगर सुरक्षा संबंध एक रियायत है, फोन कॉल रियायत है, तो पाकिस्तान के पास विकल्प है। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि वो किस विकल्प की बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अपने भाई चीन के साथ काफी ज्यादा गहरे संबंध हो चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ विकल्प के तौर पर पाकिस्तान का इशारा चीन की तरफ है। मोईद यूसुफ के इस बयान के बाद अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है, अभी कई ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे राष्ट्रपति जो बाइडन निजी तौर से बातचीत नहीं कर पाए हैं। सही वक्त आने पर बाइडन इमरान खान से बात करेंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के चलते जो समस्या पैदा हुई है, उसको लेकर मोईद यूसुफ ISI के मुखिया के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में गहरी खाई बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान को लेकर अपना रवैया बदले, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव काफी दिनों से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में फैली अशांति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अमेरिका पर चीजें अस्त व्यस्त करने का आरोप लगाया था। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की मदद को रोक दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान को जूठा तक कह दिया था। ये साफ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, और अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयानों से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की हरकतों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसे अभी बाइडन की फोन कॉल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।